ये खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां कैमोर खिरवा दो में संचालित क्रैशर माइंस में इस्तेमाल हो रहे बारूद, जिसे ब्लास्टिंग हो रही है, इससे लोगों के मकानों में दरारें और क्रैक आ चुके हैं। इतना ही नहीं, बम ब्लास्टिंग से किसानों के खेतों व घरों में लगे पानी के मोटर पंपों से अब सिर्फ हवा आ रही है, पानी नहीं आ रहा है। वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, जिससे खेतों व घरों में पानी का विकट समस्या आ खड़ा हुआ है। वहीं खदान संचालकों के खिलाफ शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपने आए हम लोग, जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय पानी की बात करते हैं, नल जल योजना की बात करते हैं, लेकिन कटनी जिले के बिजराहोगढ़ तहसील का ये जीता जाता उदाहरण है, खिरवा गांव है और जगवानी है, जहाँ पे पूंजीपतियों से मुझे लगता है प्रशासन थक गया है। पूंजीपति 400-400 फुट गहरी खदानें खोद चुके हैं, उसके बाद भी 70 फुट खदान बोर करके ब्लास्टिंग की जा रही है। उस ब्लास्टिंग से उनके घरों में दरार आ गई है, मंदिर में भी दरार आ गई है और घर गिर भी गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पूर्व में शिकायत कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।